दोस्तों 20 तारीख को जब आप अपने केबल टीवी को ऑन करेंगे तो एक बार जरूर आप परेशान हो सकते हैं। ऐसा क्यों होने वाला है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हैथवे अपने प्लेटफॉर्म पर पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में एक नई अपडेट लेकर आने वाला है। तो क्या है ये इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, हमेशा की तरह आप मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं हैथवे की ऑल इंडिया अपडेट क्या होने वाली है। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हैथवे हमारे देश की सबसे बड़ी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर कंपनी है। अगर हैथवे के सब्सक्राइबर की बात करें तो ये डेन को पीछे छोड़ चुका है, जीटीपीएल से काफी आगे निकल चुका है, इन डिजिटल इसके आसपास भी नजर नहीं आता है। हमारे देश की सबसे बड़ी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर कंपनी अगर कोई है तो हैथवे है। तो हैथवे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाला है 20 तारीख को। अगर आप इंग्लिश मूवीज चैनल देखते हैं और इंग्लिश इंटरटेनमेंट चैनल देखते हैं तो ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश मूवीज के जो चैनल्स के एलसीएन है वो सारे के सारे चेंज होने वाले हैं, और साथ में ही इंग्लिश इंटरटेनमेंट के जो चैनल है वो भी आप नए एलसीएन पर देखेंगे। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्टार मूवीज जो इस वक्त 140 पर आ रहा है हैथवे के प्लेटफॉर्म पर मुंबई में, और अदर सिटीज में अलग अलग नंबर हो सकते हैं, एलसीएन के नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ इसके नए एलसीएन कुछ इस प्रकार से होने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम अगर इंग्लिश इंटरटेनमेंट की बात करें तो स्टार वर्ल्ड मुंबई में यहाँ पर 50 नंबर पर है, तो अब ये चेंज होने वाला है और स्टार वर्ल्ड 50 नंबर पर ही रहेगा। उसके साथ एक और चेंजेस होगा, स्टार वर्ल्ड HD 51 पर आएगा, कॉमेडी सेंट्रल 52 पर, कॉमेडी सेंट्रल HD 53 पर, कलर्स इन्फिनिटी आप लोग देख रहे हैं 54 पर, कलर्स इन्फिनिटी HD आएगा 55 पर, जी कैफे आप देख रहे हैं 56 पर, और जी कैफे HD अब 57 पर दिखाई देगा। जहां पर आपको इंग्लिश इंटरटेनमेंट के जो चैनल देखने के लिए मिल रहे थे वो वहीं पर ही देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अगर HD में आप देखना चाहें तो इनके LCN नंबर चेंज हो जाएंगे। डिज्नी इंटरनेशनल प्लस HD आपको 58 नंबर पर देखने के लिए मिलेगा। साथ में इंग्लिश मूवीज के जो चैनल रहने वाले हैं ये सारे के सारे LCN चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आप 140 पर देखते हैं स्टार मूवीज, यहाँ पर इसका LCN चेंज हो जाएगा, 66 इसका LCN हो जाएगा, और इसके बाद तुरंत आप देखेंगे स्टार मूवीज HD जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा 67 पर। आगे बढ़ेंगे तो MNX आप 68 पर देखेंगे, और 141 पर आप देखते थे मुंबई में, तो यहाँ पर आप चेंजेस हो जाएंगे, 68 नंबर इसका हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो MNS HD आपको देखने के लिए मिलेगा 69 पर, मूवीज नाउ आपको देखने के लिए मिलेगा 70 पर, और मूवीज नाउ HD आपको मिलेगा 71 पर। इसी तरीके से पूरी लिस्ट है, यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। सोनी पिक्स आप देखेंगे 72 पर, सोनी पिक्स HD आप देखेंगे 73 पर, इसके बाद यहाँ पर एक गैप है 74 पर, कोई चैनल्स मौजूद नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो एंडफ्लिक्स आप देखेंगे 75 पर, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो 76 पर आप देखेंगे एंडफ्लिक्स HD, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो रोमेडी नाउ आप देखेंगे 77 पर, 78 पर आप देखेंगे HD में रोमेडी नाउ HD, उसके आगे बढ़ेंगे 79 पर आप देखेंगे HBO, और HBO HD आप देखेंगे 80 नंबर पर, 80 नंबर पर, और WB यानी वार्नर ब्रदर आप देखेंगे 81 पर, चूँकि WB HD में नहीं है तो इसके बाद आप देखेंगे MN प्लस HD 83 पर, स्टार मूवी सेलेक्ट HD आप देखेंगे 85 पर, एंड प्रिव HD देखेंगे 87 पर, हॉलीवुड इंग्लिश आप देखेंगे 89 पर। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जानकारी लिख दी है, ओल्ड LCN नंबर और साथ में ही न्यू LCN नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो YouTube पर ये सबसे पहला वीडियो मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ, इसके बाद सारे यूट्यूबर आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ये चैनल्स देखते हैं। और साथ में ही मैं उन अपने केबल ऑपरेटर भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अपने सारे केबल ऑपरेटर के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि केबल ऑपरेटर को भी ये इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।